सुप्रभात बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से गद्याखंड की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1888 ईस्वी को बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ। इनका असली नाम धनपत राय था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय रहा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद ही इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। बीए की परीक्षा पूरी करने के बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कुछ समय मुंबई के फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। इनकी कहानियां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होती थी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार ने इनकी कहानियों पर रोक भी लगा दी थी। यहां तक कि उर्दू में प्रकाशित कहानी संग्रह, जिसका नाम सोजे वतन था, यह भी अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। सन 1921 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आम आदमी के दुख दर्द के चितेरे प्रेमचंद जी को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी, जिन्हें जीवन में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। यहाँ प्रताड़ना का अर्थ होता है दुखी करना, और लांछन का अर्थ होता है आरोप लगाना किसी के ऊपर। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब प्रमुख हैं। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र आदि हैं। इनके रचनात्मक योगदान के कारण ही हिंदी साहित्य में सन 1918 से 1936 तक के हिंदी कहानी व उपन्यास के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। आइए अब हम आज की कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो हमें कोई यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से पहले भी रोकना पड़ता है, जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। तो यहाँ क्या कहा है, यहाँ बताया गया है कि अभी तुम बहुत छोटे हो। अक्सर आपने भी देखा होगा कि आप जब घर में कोई काम करते हो तो आपके माता पिता अक्सर आपको क्या कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम ये काम मत करो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारी उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, इसके लिए तुम इस काम में हाथ ही मत डालो। तो यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में ये बात आती है कि काश हम भी बड़े होते तो कोई हमें ऐसे नहीं टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़े होने पर भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को भी कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है। कई बार बड़े का जो है मन करता है कि मैं वो कार्य करूं, लेकिन उसे रोकना पड़ता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि यदि मैं अपने मन पसंद से इन कार्यों में जो है हिस्सा लूँगा, भाग लूँगा, तो इसका असर जो है मेरे छोटों पर भी पड़ेगा। इसके लिए होता क्या है, इसके लिए वो काम जो उसे अपनी उस उम्र में करने चाहिए थे वो नहीं कर पाता है।
क्योंकि उसको क्या लगता है, यदि मैं बाहर गया, मैंने खेला कूदा या कुछ और मौज मस्ती की, तो इसका असर उसके छोटे पर भी पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर लेखक ने इस बात को जो है स्पष्ट करना चाहा है। यहाँ दो पात्रों के माध्यम से उन्होंने इस बात को जो है स्पष्ट किया है। जो कहानी आज हम करने जा रहे हैं, उस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक तो है बड़े भाई साहब, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनका एक छोटा भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है, क्योंकि घर में एक और भाई है जो कि छोटा है और वे बड़े भाई हैं। तो इसके लिए उनसे जो है बहुत प्रकार के जो है उनसे उम्मीदें की जाती हैं, अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते भी हैं, वो खुद भी चाहते हैं बड़ा होने के नाते, और कोशिश भी करते हैं कि वे जो भी कोई काम करें वो छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो। वो छोटे भाई को जो है उसके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि बड़ा भाई उसके लिए मिसाल बन जाए। तो वो जो है अपने छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करना चाहते हैं। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में होता क्या है, इस चक्कर में होता क्या है, जो बड़े भाई साहब का बचपना है वो तिरोहित हो जाता है। तिरोहित होना मतलब कि अदृश्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो अपनी उम्र में जो उसे काम करने चाहिए थे वो जो है नहीं कर पाता। और अभी इसमें जो दूसरे पात्र हैं वो लेखक हैं हमारे, जो कि बड़े भाई के छोटे भाई भी हैं। तो कहानी में लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में उनकी ज़्यादा रुचि थी, लेकिन खेलते कूदते भी थे। बावजूद इसके भी हमेशा कक्षा में जो थे प्रथम आते थे, अव्वल आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते थे। वो हमेशा खेलने के लिए निकल जाया करते थे, तो बड़े भाई जो हैं घर पर रहते थे, पढ़ते थे, तो उनको डांटते थे। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो छोटा भाई है उसने जो है खेल के मोह को वह त्याग नहीं पाया, जिसके कारण जो है उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन जो है नहीं पाया। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने इस कहानी में जो है अपने और अपने बड़े भाई के बीच के संबंधों को उजागर किया है। उजागर किया है मतलब प्रकट किया है। इस कहानी में बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, बड़ा भाई होने के नाते वो अपने छोटे भाई को किस तरह से रखता है, किस तरह से उसे गलत रास्ते पर चलने से डांटता है, जब भी वो कोई गलतियां करता है, गलत राह पकड़ लेता है तो उसे डांटा भी जाता है, और अपनी सारे इच्छाओं को दबाकर किस प्रकार से छोटे भाई को दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि क्या है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को दबाता है बड़ा भाई, लेकिन छोटे भाई को जो है हमेशा दुनियादारी की समझ के बारे में वो बताता है। ये सब जो है इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो कहानी का नाम क्या है, उस कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। तो हम अब कहानी की ओर चलेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। आइए पहले हम इसके शब्दों को जान लेते हैं। दर्जा यहाँ अर्थ है इसका कक्षा, तालीम उर्दू का शब्द है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको परिचय में बताया कि जो इनकी रचनाएं हैं उसमें उर्दू भाषा मिलेगी। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, बुनियाद नींव, आलिशान बहुत ही सुंदर। आलिशान का अर्थ क्या होता है, बहुत ही सुंदर। और बुनियाद जो है नींव, जो हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो है हम कहते हैं पक्की होनी चाहिए। बुनियाद, अगर नींव अच्छी होती है तो मकान भी उस पर टिका रहता है, अगर नींव कच्ची होगी तो मकान जल्दी से गिर जाएगा। पुख्ता सही, पायदार ऐसी वस्तु जिसके पैर होते हैं, यानी कि मजबूत। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। कि उसके जो बड़े भाई साहब हैं उससे 5 साल बड़े हैं उम्र में, लेकिन कितने दर्जे आगे हैं, केवल 3 ही दर्जे आगे हैं। दर्जा क्या होता है यहाँ, कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। अब
जब लेखक ने जब पढ़ना शुरू किया तो भाई को भी उसी ही मतलब जैसे 5 साल के बच्चों को हम स्कूल में डाल देते हैं, ऐसे ही उन्हें भी जल्दी ही स्कूल में डाला गया था। लेकिन फिर भी उम्र में फर्क कितना है, 5 साल का, लेकिन कक्षा में फर्क कितना है, केवल 3 साल का। क्यों, इसका क्या कारण था? तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। जो लेखक के बड़े भाई हैं उन्हें जो है शिक्षा, तालीम का अर्थ मैंने आपको बताया क्या, शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम जो है लेना पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह जल्दबाजी से काम करना, फटाफट कुछ ऐसा करना कि जो चीज़ दिमाग में ना बैठे, रट्टा लगाओ ऐसा करना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। जो वो पढ़ना चाहते थे वो जो है कैसे पढ़ना चाहते, जैसे कि एक भवन, भवन क्या होता है, मकान, उसकी बुनियाद, उसकी जो नींव होती है मजबूत होती है, उसी प्रकार से वे पढ़ाई भी उसी तरीके से करना चाहते थे। जिस प्रकार बुनियाद अगर मजबूत होती है तो मकान पक्का रहता है, आलिशान महल बन जाता है, उसी प्रकार वो भी अपना जो है जीवन में जो है क्या करना चाहते थे, तालीम ग्रहण करना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। जो काम, जो परीक्षा उन्हें 1 साल में पास करनी होती थी वे 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। मतलब कि जो काम उन्हें 1 साल में करना होता था, जो परीक्षा उन्हें 1 साल में उत्तीर्ण करनी होती थी, वो 2 साल में किया करते थे। और कभी कभी तो उसमें कितने साल लगा दिया करते थे बच्चों, कभी कभी उसमें 3 साल भी लगा दिया करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यदि उसकी नींव ही मजबूत ना हो, पुख्ता मतलब मजबूत, यदि उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान जो है कैसे क्या बनेगा, मकान मतलब पायदार क्या है यहाँ, पैर। तो हमारी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, यदि वो अच्छी होगी तभी हमारा मकान उसके ऊपर जो है बहुत दिनों तक टिका रहेगा। यही उनका शिक्षा से अभिप्राय है कि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो जिंदगी भर उन्हें जो है काम आए, वो अनुभव को जो है ज़्यादा क्या देते थे, महत्व देते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। जिन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्मों को कानून समझो। अब जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, वो छोटे हैं और भाई उनके उनसे बड़े हैं 5 साल। उनकी उम्र 9 साल की थी, किसकी, प्रेमचंद जी की, और उनके भाई की कितनी हुई, 5 साल और उसमें जोड़ देंगे तो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। अब क्योंकि लेखक के भाई उससे 5 साल बड़े थे, इसके लिए उसकी निगरानी करने का, निगरानी क्या होता है, उसकी देखरेख करना, उसकी देखरेख करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार किसे मिला था, उसके बड़े भाई को मिला था। क्यों, क्योंकि वे उम्र में उससे 5 साल बड़े थे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्मों को मैं कानून समझूं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है शालीनता, कि मेरी समझदारी इसी में थी कि जो उनका हुक्म है उसको मैं कानून समझूं, मतलब कि उसका मैं पालन करूं, और वो वैसा करते भी थे। अगला पैरा पढ़ेंगे अभी। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। जो भाई थे बड़े उनके कैसे थे, वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब कि उनको पढ़ाई करने से बहुत लगाव था। हरदम क्या करते थे, किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अब बच्चों देखो, आप लोग जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आप भी ऊब जाते हैं तो आपका मन करता है कि आप थोड़ा दूरदर्शन देखें, या फिर आप खेलने के लिए चले जाएं, या गपशप मारें अपने दोस्तों के साथ, करता है ना आपका मन। तो ऐसे लेखक के बड़े भाई भी थे। जब वो पढ़ते थे, हर समय वो पढ़ते ही रहते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने का बड़ा ही शौक था, उसे बहुत महत्व देते थे पढ़ाई को। तो जब उनका दिमाग थक जाता था तो वो क्या करते थे, उसको आराम देने के लिए वो खेलने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि उनको क्या चिंता रहती थी कि यदि वो खेलने के लिए जाएंगे तो छोटा भाई भी जाएगा। तो वो ये नहीं करना चाहते थे, वो जो है घर में ही बैठे रहते पूरा समय, और जो किताब के हाशियों पर, किताब जो पुस्तिका होती है
उसके हाशियों पर, हाशियों क्या होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, आपने देखा होगा जो हमारी पुस्तक होती है उसके ऊपर जो छपा हुआ भाग रहता है उसके चारों तरफ जो है थोड़ी जगह बची होती है, तो वो क्या करते थे, उन किनारों के ऊपर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो अपने दिमाग को आराम करने के लिए वो क्या करते थे, उसके ऊपर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। किस पर, जो उनकी किताबें होती थी उनके हाशियों पर, हाशियों मतलब किनारों पर। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या फिर वाक्य 10 से 20 बार लिख डालते। अब अपना ये करने के लिए, अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो क्या करते थे, कभी कभी एक ही नाम को या फिर एक ही शब्द को या फिर वाक्य को ही 10 से 20 बार लिख डालते, बार 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 उसको लिखते जाते। इसमें उनको अच्छा लगता था, उनके दिमाग को आराम मिल जाता था। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल कर लेते, एक शेर लिखते बार बार उसके नीचे जो है बार बार लिखते रहते, वो भी ऐसे नहीं सुंदर अक्षरों में। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य होता। कभी कभी क्या करते जो है वो क्या ऐसे शब्द रचना करते, कुछ ऐसे शब्दों की रचना करते जिसमें ना तो कोई अर्थ होता, ना तो कुछ उनका आशय ही होता था, ना कोई मतलब निकलता और ना ही उन शब्दों में कुछ तालमेल ही होता था। मसलन उदाहरण के लिए, एक बार उनके कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। एक बार जो है छोटे भाई यानी के लेखक ने, लेखक का नाम क्या है, प्रेमचंद जी, उन्होंने क्या देखा, एक बार उनकी कॉपी के ऊपर यह इबारत देखी। यह इबारत, इबारत क्या होता है बच्चों, ये भी उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है लेख। एक लेख देखा उसने, क्या था उसमें लिखा हुआ, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। क्या हुआ, एक बार है उन्होंने क्या देखा, उदाहरण के लिए उन्होंने एक बात हमें समझानी चाहिए है कि उन्होंने उनकी कॉपी के ऊपर यह इबारत देखी। इबारत का मैंने आपको अर्थ बताया, इबारत जो है उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है एक लेख देखा जिसमें क्या कुछ शब्द उन्होंने लिखे हुए थे कि स्पेशल अमीना नाम है किसी का, भाइयों भाइयों संबोधन है, दरअसल भाई भाई, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा शब्द लिखे हैं, राधेश्याम नाम है किसी का, श्रीयुत राधेश्याम। तो 1 घंटे तक वो यही काम करते रहे, लेकिन शब्दों को लिखते रहे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, शब्दों को लिखकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, पता नहीं उसको क्या वो मतलब उसके द्वारा क्या बताना चाहते थे, उन्होंने एक आदमी का चेहरा भी बना दिया। मैंने बहुत चेष्टा की, जो लेखक थे उन्होंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा करना कोशिश करना, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। बस उन्होंने सोचा, कोशिश की इस चीज़ की कोई अर्थ निकले इस पहेली जो उन्होंने लिखी है, लेकिन असफल रहा वो, उसका अर्थ जो है निकालने में क्या रहे, असफल रहे, नहीं निकाल पाए। और उनसे पूछने का साहस ना हुआ और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उनसे पूछें कि भाई आपने ये क्या लिखा है, इतनी हिम्मत भी उनके अंदर नहीं थी। यानी कि वो बहुत संस्कारी थे, बड़े के आगे मुंह खोलना मतलब के उन्हें क्या लगता था कि जैसे जो काम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अगर वो उनसे कुछ पूछेंगे तो ये जो है उनके संस्कारों के क्या होगा, विरुद्ध होगा, उनमें उतना साहस ही नहीं था। जब क्यों, भाई कितने थे बड़े उनसे, 5 साल बड़े थे, वह 9वीं जमात में थे, जमात क्या होता है कक्षा, मैं 5वीं में था, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मो बड़ी बात थी, मतलब के उनकी जो बातें थी जो वो लिखते थे उन बातों को उनके लिए जो है समझना बहुत ही कठिन था, वो उन बातों को जो है अपनी हैसियत से बढ़कर मानते थे। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है मुहावरा, उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात है, छोटा मुँह बड़ी बात मतलब अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। अब इसके अर्थों को मैंने आपको हर एक का अर्थ बताया है बीच में, फिर भी आप लोग अपने पुस्तिका में इनके अर्थों को साथ के साथ लिखते जाइए, इनके अर्थ अब ध्यान से देख लेंगे एक बार फिर से। अर्थ हैं, देखो उर्दू का शब्द है, बहुत ही नया है आपके लिए, आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा। तंबीह क्या है शब्द, तंबीह डांट डपट, वे उसे डांटते थे। निगरानी देखरेख जन्म सिद्ध, जो जन्म से ही प्राप्त होता है। शालीनता
समझदारी, हुक्म, आज्ञा, आदेश, अध्ययनशील, पढ़ाई को महत्व देने वाला। लेखक के भाई क्या थे? अध्ययनशील थे, पढ़ाई को महत्व देते थे। हाशियों, किनारों, बताया गया है आपको पुस्तक के किनारों पर। सामंजस्य, तालमेल बनाए रखना, मसलन उदाहरणतः, इबारत, लेख, चेष्टा, कोशिश, जमात, कक्षा। तो हमने इनके अर्थ भी अच्छे से जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेखक जो हैं अपने बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने अपने भाई के बारे में बताया, अब अपने बारे में बता रहे हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। अब पहले हम इसको समझ लेंगे। अब जो लेखक थे, पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी जो है जी नहीं लगता था। जी क्या होता है बच्चों? मन। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अब पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं तो 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उस पर चढ़ाई करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो जब उनको पढ़ना पड़ता था, यदि उनको लगातार एक घंटा बैठना पड़ जाए किताब लेकर, तो उनके लिए किसके समान था? पहाड़ पर चढ़ने के समान था। जैसे ही उनको मौका मिलता, मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। जैसे ही उनको मौका मिलता था कि देखा कि भाई जो है उनकी निगाह यहाँ वहाँ है, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मौका पाते ही क्या करते? हॉस्टल से निकल जाते। वो कहाँ रहते थे? वो अपने घर में नहीं रहते थे, हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए आए थे। वो दोनों भाई वहीं रहते थे एक ही कमरे में, तो वो हॉस्टल से निकल जाते और नीचे पहुंच जाते मैदान में। और वहाँ क्या करते? जैसे कि आपकी उम्र के बच्चे भी करते हैं, मौका पाते ही मम्मी पापा घर में नहीं होते, बाहर निकल जाते हैं। आप तो मोबाइल से खेलते, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, तो वो क्या करते थे लेखक? नीचे उतरते और कंकरियां उछालते। अब ये कंकरियां क्या होती हैं? ये होते हैं छोटे छोटे पत्थर। कभी कागज की तितलियां उड़ाते, आप बच्चे भी करते हो ना कागज के, आप लोग क्या बनाते हो? जहाज बनाते हो। तो ये क्या करते थे लेखक? भी कागज की तितलियां उड़ाते, और उस पर भी अगर कहीं कोई साथी मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, तो बस पूछना ही क्या। क्या करते? उनके साथ मिलके खूब मस्ती करते। कभी चार दीवारी पर चढ़ते और फिर वहाँ से छलांग लगाते, नीचे कूद जाते, कोई परवाह नहीं, बस मस्ती करनी है। कभी फाटक पर सवार होते। अभी फाटक क्या होता है? फाटक हम कहते हैं गेट को, दरवाजे को, जो बड़ा सा दरवाज़ा होता है, जैसे स्कूल के बाहर होता है, ठीक है। तो उनके हॉस्टल के बाहर भी क्या था? एक फाटक था, तो वो उसके ऊपर सवार हो जाते, फाटक के ऊपर, गेट के ऊपर, और उसे आगे पीछे चलाते रहते। कैसे? किस तरीके से? जैसे कि मोटर कार चला रहे हो, क्योंकि बच्चों को तो यही बातें करने में मज़ा आता है। लेकिन जब पहले तो खेलते रहते, अच्छे से जी भरकर खेल लेते, लेकिन कमरे में आते ही क्या करते? कमरे में आते क्या देखते कि भाई साहब तो एकदम तिलमिला रहे हैं, बैठे हैं गुस्से में। भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। जब भाई साहब को देखते कि उनका जो रूप है एकदम विक्रोधित रूप में बैठे हैं, तो यह देखकर उनके प्राण सूख जाते। प्राण सूखना मतलब कि वो डर जाते बुरी तरह से कि ना जाने अभी भाई क्या कर डालेंगे। उनका पहला सवाल यही होता था। अक्सर वो क्या करते थे? मौका पाते नीचे उतर जाते थे, तो जब लौट कर आते थे, अब भाई तो यही पूछेंगे ना कि भाई तुम कहाँ गए थे, तो उनका सवाल क्या होता था? कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, गुस्से में पूछा जाता था, क्योंकि गुस्से में बैठे थे वो, तो गुस्से की ध्वनि में, मतलब कि गुस्सा एकदम करके उसको पूछते, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल उससे पूछा जाता, इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। वे पलट कर कुछ भी जवाब नहीं देते थे, मौन रह जाना, चुप रह जाना। वो चुप रह जाते थे चुपचाप, क्योंकि उनको पता है उनकी गलती भी है,
और मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसके आगे बोलते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना बड़ा भाई मानते थे भी वो, तो इसके लिए उसके आगे वो बिल्कुल नहीं बोलते थे और वो स्थिति उस स्थिति में चुप रहना ही जो है ठीक समझते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। वो कह रहे हैं कि पता नहीं उसके मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती, वो बोल सकते थे ना कि हाँ बाहर खेल रहा था मैं, नहीं चुप रहते, मेरा मौन कह देता था, उनका चुप रहना ही कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, कि जो मेरे से गलती हुई है, अपराध जो कसूर मैंने किया है वो मुझे क्या है, स्वीकार है, उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इसके लिए वे मौन ही रह जाते। और भाई साहब भी फिर क्या करते, जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वो क्या करते, उसके वो जो है उस समय उसके पास और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि वो क्या करते, स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। भाई साहब क्या करते फिर देखे, हाँ पहले गुस्सा आता था लेकिन जब वो कुछ बोलते ही नहीं थे उसके छोटे भाई उनके आगे, तो वो स्नेह भी उनसे बहुत करते थे, तो मिले जुले शब्दों से वो उसका क्या करते थे, उसका सत्कार करते थे। वही मैंने आपको अर्थ बता दिया है, फिर से हम देख लेंगे और आप इसे अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। कंकरिया, कंकरिया का अर्थ होता है पत्थर के छोटे टुकड़े, कंकरिया पत्थर के छोटे टुकड़े। रुद्र रूप, भयानक या गुस्से वाला रूप। जब वो कमरे में आते थे तो भाई का कैसा चेहरा होता था, कैसा रूप होता था, गुस्से वाला, है ना, रुद्र रूप। प्राण सूख जाना, बुरी तरह से डर जाना, जब देखते भाई गुस्से में बैठे हैं तो क्या होता था लेखक को, वो जो है उनके प्राण सूख जाते थे, मुहावरा है ये, यानी कि बुरी तरह से डर जाना। मौन रहना, चुप रहना, मौन मतलब चुप रहना। स्नेह प्रेम, रोष गुस्सा, सत्कार स्वागत, अपराध गलती। आगे पढ़ेंगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। क्या कह रहे हैं अभी आगे जो बड़े भाई साहब हैं, वो बता रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से, अगर तुम बाहर खेलने के लिए जाते रहोगे तो इस तरह अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अंग्रेजी तुम जिंदगी भर पढ़ते रहना, लेकिन तुम्हें एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का अर्थ क्या है, एक भी अक्षर नहीं आएगा तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, हंसी खेल मतलब कि कोई आसान काम नहीं है कि जो चाहे इसे पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका अर्थ क्या है बच्चों, बेकार आदमी क्या हो जाता, वो अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। तो वो क्या कहते हैं कि अगर अंग्रेजी सीखना इतना आसान होता तो क्या होता, कोई भी इसे सीख जाता, तो अंग्रेजी सीखना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, मतलब कि दिन रात किताबों को पढ़ना पड़ता है। आंखें फोड़नी ये नहीं कि वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, मतलब कि दिन रात अपनी दृष्टि अपनी आंखें अपनी नज़र किस में गड़ाए रखते हैं, किताबों में गड़ाए रखते हैं, और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना, खून जलता ऐसे नहीं खून जल रहा है, मतलब कि उनको कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। ठीक है बच्चों, समझ में आए विद्या कैसे आती है, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घूंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा, यहाँ शब्द आया है एक घोंघा, इसका अर्थ होता है एक जानवर, ये एक जीव होता है जो कि बहुत ही आलसी होता है, अभी मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। तो तुम कितने घोंघा हो, कितने आलसी हो तुम कि तुम मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक लेना, सीख लेना कि तुम देखो मैं हमेशा घर में रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, कभी खेलने के लिए नहीं जाता, तो तुम कम से कम मुझे देखकर तो सीख ले सकते हो ना, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत का अर्थ क्या है, हाँ मेहनत, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। तुम अच्छी प्रकार से देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ,
तुम मुझे लगातार भले काम करते देखते रहते हो, कहीं बाहर नहीं जाता, खेलने नहीं जाता, और यदि तुम नहीं देखते तो यह किसका कसूर है? यह तुम्हारी आंखों का कसूर है और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। बुद्धि मतलब विवेक। विवेक क्या होता है बच्चों? हमारा हमारे अंदर जो सोचने समझने की ताकत होती है उसको कहते हैं विवेक। तो यदि तुम नहीं समझना चाहते तो ये किसका कसूर है? तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? लेखक क्या बोल रहे, लेखक के भाई क्या बता रहे हैं? इतने मेले तमाशे होते हैं। अभी आजकल क्या है, इतने मेले तमाशे हमारे यहाँ नहीं होते शहरों में, लेकिन गाँवों में पहले क्या होता था, लोग जो हैं कुछ भी अगर अच्छा होता था, जैसे कहीं खेलने जाना है, कुछ करने जाना है, तो बच्चों के लिए बाहर बहुत मेले तमाशे लगे होते थे, तो बच्चे उसका आनंद भी लेते थे। तो लेखक के भाई कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो हमेशा घर पर रहकर पढ़ते रहते थे। वो चाहते थे कि वो पढ़ें और उसका उसे देखकर छोटा भाई भी पढ़े। ना वो कहीं खेलने जाते थे, ना कभी क्रिकेट और कभी हॉकी खेलने जाते थे। मैं उनके पास तक नहीं फटकता, वो उसे बता रहे हैं कि मैं तो उनके पास तक भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ मैं, हर साल मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपना जो टाइम है उसे मैं जाया करता हूँ। उसके ऊपर भी क्या है, एक एक दर्जे में, दर्जा यहाँ अर्थ क्या है इसका, एक एक कक्षा में मैं दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? वो उसे समझा रहे हैं कि फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम खेल कूद में इतना वक्त गवाओगे और उसके बाद तुम पास भी हो जाओगे, ऐसा तुम कैसे सोच सकते हो? मुझे तो फिर वो क्या कह रहे हैं उसको कि मुझे तो दो तीन साल ही लगते हैं, लेकिन तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। यदि तुम ऐसे ही खेलने के लिए जाओगे तो तुम पूरे उम्र भर मतलब के इसी दर्जे इसी कक्षा में पढ़े सड़ते रहोगे, तुम मतलब के पास नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें इसी तरह से अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर है, तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम घर चले जाओ, गांव चले जाओ अपने, और वहां जाकर तुम मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अब पहले लोग बच्चे क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे कि तुम जाओ घर में और घर में जाकर मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अब दादा की कमाई, दादा की कमाई कैसी है? गाड़ी कमाई। गाड़ी का अर्थ क्या है बच्चों? मेहनत की हुई जो कमाई होती है, जो बड़ी मेहनत से उन्होंने कमा के रखी है। तो तुम जो हो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। यदि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हें खेलना ही है, तो तुम कहाँ चले जाओ, तुम जो है अपने घर वापस चले जाओ। तो बच्चों आज का हम अपना जो पाठ है यहीं पर इसे हम विराम देंगे, क्योंकि अभी टाइम हमारा हो रहा है, और बाकी का जो पाठ है हम अगले कालांश में पूरा करेंगे। तो आपने जितना पाठ मैंने आपको पढ़ाया इस कहानी में, आपने जो है क्या सीखा? आपने इस कहानी में ये सीखा कि जो लेखक है प्रेमचंद जी, उन्होंने इस कहानी में अपने बड़े भाई के साथ जो उनके संबंध थे उनके बारे में जो है उन्होंने बताया है, और ये भी बताया है कि बड़ा भाई किस तरह से छोटे भाई को बार बार जो है सीख देता है, वो उसको जो है एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, इसके लिए वह स्वयं भी कहीं बाहर खेलने के लिए नहीं जाता, ठीक है, और वह उसको जो है दुनियादारी की सीख देना चाहते हैं। ये सब बातें जो है जहाँ तक हमने आज पाठ पढ़ा है उस पाठ में ये बातें बताई गई हैं। अभी मैं आपको इसके शब्द भी शब्दों के अर्थ बता दूंगी। हर्फ अक्षर, ऐरा गहरा नत्थु खैरा बेकार आदमी, खून जलाना कड़ी मेहनत करना घोंगा आलसी जीव। देखो आप यहाँ देख रहे हो ये जो चित्र है ये घोंगा का है जो कि बहुत ही आलसी होता है। सबक सीखना, कसूर गलती, दर्जा कक्षा, गाड़ी कमाई मेहनत की का। अब इस कहानी के जीवन मूल्यों को जान लेते हैं। बड़ों के व्यवहार में बच्चों की रुचि के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों की जो रुचि होती है कई बार खेलने में होती है, पढ़ाई करने में नहीं होती, लेकिन माता पिता उनको ज़बरदस्ती बिठाना चाहते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसे कभी भी पढ़ नहीं सकते। तो बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें परिवर्तन जो है लाना ही होगा, और छोटे बच्चों में भी बड़ों का आदर करने की भावना होनी चाहिए, जैसा कि इस पाठ में दर्शाया गया है। लेखक हमेशा अपने बड़े भाई का आदर करते थे, उसके सामने कभी भी जो है बोलते नहीं थे।
और तीसरी बात जो है हमने जो है जो जानी है वो ये है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि यदि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो खेलने के लिए चले जाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो तरोताजा हो जाता है। धन्यवाद।